नमस्ते एवरीवन, आई एम अनीशा एंड यू आर वाचिंग फूड टेक स्पीक्स। क्या है कोलेस्ट्रॉल, कैसे होता है, कौन सा फैट खाना चाहिए कौन सा नहीं, क्या है गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जानते हैं सारी बात हमारे इस वीडियो में। हमारा लीवर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर पूरे बॉडी में ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करता है। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल और ये कितने टाइप का होता है? कोलेस्ट्रॉल टू टाइप्स के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। LDL हमारे ब्लड वेसल में डिपॉजिट होकर हार्ट अटैक स्टॉप कॉज करता है। नॉर्मली हम बाहर से फैट कंज्यूम करते हैं, तो फैट कितने तरह के होते हैं? फैट थ्री टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट हम मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स से गेन करते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट वेजिटेबल ऑयल, नट्स, कनोला ऑयल, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स से हम जो फैट कंज्यूम करते हैं वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट की बात करें तो ट्रांस फैट हम प्रोसेस फूड से, पैकेज फूड से, बेकरी प्रोडक्ट से और जो भी तरह के रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट से हम ट्रांस फैट लेते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इस पे बेस्ड है कि आप अपने डेली डाइट चार्ट में कैसे फूड इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। 10 ऐसे सुपर फूड जो कि कंट्रोल करेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को। वो लोग जो ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। नंबर 1, ओट्स। आपको अपने डाइट में होल ग्रेन जरूर इंक्लूड करना चाहिए। होल ग्रेन्स में डाइटरी फाइबर और सेलुलर फाइबर पाए जाते हैं जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। अगर आप सोल्यूबल फाइबर खाते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन को काफ़ी कम करता है, इसलिए आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए आपको अपने डाइट में होल ग्रेन्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। 2nd, नट्स। नट्स रिच इन फाइबर होता है, इसमें वेजिटेबल प्रोटीन पाए जाते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई, बहुत सारे मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, नेचुरल प्लांट स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। 30-35 ग्राम्स नट डेली कंज्यूम करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 5% तक कम होता है। बीन्स, लेंटिल्स, पीज एंड पीनट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं फाइबर और फोलेट के, और जो कि लो इन कैलोरीज होते हैं। वो हमारे गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और डिक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। 4th, सोए और सोयाबीन। सोयाबीन में लॉट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल मीन्स HDL को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में सोयाबीन या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करें। 5th, बार्ली एंड अदर होल ग्रेन। ये बिल्कुल सिमिलर है ब्रैन और ओट्स की तरह जो कि सप्लाई करता है सॉल्युबल फाइबर। दूसरा तरीका है बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, हमें अपने किचन में यूज होने वाले ऑयल पे ध्यान देना होगा। सरसों का तेल मींस मस्टर्ड ऑयल आपको हमारे इंडियन किचन में ज़रूर मिलेगा और ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कनोला, ऑलिव, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अवॉइड करना है रिफाइंड ऑयल, उसे यूज़ नहीं करना है। और ध्यान रखना है कि जो भी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो। 7th, फ्लैक्सीड। इसमें डाइट्री फाइबर के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपके HDL लेवल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। सिट्रस फ्रूट जो कि फुल ऑफ पेक्टीन होता है, पेक्टीन एक टाइप का सोल्युबल फाइबर है और हेल्प करता है लोअर करने में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। 9, अवाकाडो। अवाकाडो एक्सीलेंट सोर्स है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक जर्नल 2015 में ये पब्लिश हुआ है कि अगर एक अवाकाडो दिन भर में खाया जाए तो उससे 13 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल में ड्रॉप आता है। लास्ट 10,
ओकरा, भिंडी। भिंडी गुड सोर्स है सोल्युबल फाइबर का। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि कई बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। हाफ कप ओकरा में 13 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लगता है कि हमने आपसे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं जो लोगों तक पहुंचना चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।